हरियाणा में अब चुनावी दौर अपने आखिरी चरण पर है। 5 अक्टूबर को वोटिंग होनी है। इस आखिरी चरण में सभी प्रत्याशी जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। इस बीच अंबाला में आज बार एसोसिएशन ने शहर से भाजपा प्रत्याशी असीम गोयल को समर्थन दिया। असीम गोयल जब बार एसोसिएशन में पहुंचे तो वकीलों ने पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। अपने संबोधन के दौरान असीम गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए उनसे सवाल किया कि चौधरी निर्मल सिंह आखिर कैंट में अपनी बेटी का समर्थन करेंगे या फिर कांग्रेस पार्टी का। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिस तरह चुनावी कैंपेन आगे बढ़ रहा है, हर दिन हर घंटे एक नई ऊर्जा के साथ काम हो रहा है, जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। असीम ने कहा कि अंबाला की जनता तीसरी बार मोदी जी के साथ चलने को तैयार है। असीम ने दावा करते हुए कहा कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है। लोग शहर में गुंडागर्दी नहीं चाहते, बल्कि शहर में शांति चाहते हैं और विकास चाहते हैं। वहीं उन्होंने निर्मल सिंह से सवाल करते हुए पूछा कि वे पार्टी का धर्म निभाएंगे या फिर पिता होने का। जिस प्रकार से चुनावी काफिला आगे बढ़ रहा है, हर दिन ही मैं कहूँगा हर घंटे एक नया जोश, नई ऊर्जा, नया आशीर्वाद लोगों से मिल रहे हैं। निश्चित रूप से पूरे हरियाणा का चुनाव जो है करवट ले चुका है। हरियाणा की स्वाभिमानी जनता तीसरी बार मोदी जी के साथ चलने को तैयार है और पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। अंबाला शहर भी इसमें कहीं पीछे नहीं, बड़ी बहुमत के साथ हम इस सीट को जीतने जा रहे हैं। लगातार सब वर्गों का सम्मान, सब वर्गों का स्नेह, सब वर्गों का प्यार, आशीर्वाद, सहयोग, समर्थन मिल रहा है। और आज मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में आया था। सभी अधिवक्ता साथी जो प्रभु समाज है उनसे अपील की है और मैं 100% ये मानता हूँ कि उनका सहयोग, उनका ब्लेसिंग, उनके आशीर्वाद। संबोधन के दौरान किसे पूछा गया निर्मल सिंह ये सवाल जो मैं पूछा नहीं, मैं आपके माध्यम से भी निर्मल सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि वो बताएं कि वो पार्टी की वफादारी के नाते कांग्रेस को वोट करेंगे या अपना पिता का धर्म निभाने के नाते अपनी बेटी को वोट करेंगे। ये उनको बताना चाहिए कि वो पार्टी के सगे या परिवार के सगे। मतलब राहुल जी आए थे अंबाला में, हुड्डा का और शैलजा का कॉम्प्रोमाइज टारगेट क्या से देखते हैं? देखिए, इन्होंने नारा दिया इस बार 70 बार, 70 गुट इनके सीएम बनने के और 70 ही लोग इनको पछाड़ने में लगे हैं। तो ये हाथ मिले हैं, दिल नहीं मिले। तो राहुल जी भी इस चीज़ को जानते हैं। राहुल जी का हाथ मिलाते हुए एक्सप्रेशन देख लीजिए, उनको भी ये लग रहा था कि मैं 440 वोल्ट की 2 पोल्स को पकड़ रहा हूँ कि पता नहीं रिएक्शन मेरे हाथ में ही करंट ना लग जाए। राहुल गांधी सिटी और कैंट क्षेत्र में नहीं है, वो आ भी नहीं सकते क्योंकि उन्होंने खुद देखिए जैसा सिटी के अंदर और जो कांग्रेस के साथी खड़े थे आजाद, उनको बिठाने के लिए पूरा जोर लगाया गया। लेकिन जो कैंट के अंदर कांग्रेस के प्रत्याशी की जड़ें खोदने में लगे हैं, सिटी के प्रत्याशी की ही घसे हैं, बेटी हैं, लेकिन उनको बिठाने को ही नहीं गया। तो वो राहुल जी को भी लगा है कि कांग्रेस ही कांग्रेस से लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी से तो उनकी लड़ाई नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो लड़ाई में बहुत आगे निकल चुकी है। राम रहीम को फेयर पैरोल दी गई इलेक्शन के दिनों में, ऐसा क्या मानते हैं? देखिए, ये माननीय कोर्ट का मामला है, माननीय कोर्ट ने पैरोल दी है उनको, ज्यादा